हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? आई होप्स अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग दो बड़े नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन जहां से मिलती है, यूट्यूब से मुझे मिलती है, तो मैं आप लोगों को देता हूं। गाइडली के जो सब्सक्राइबर हैं उस न्यूज़ तक नहीं पहुंच पाते, तो मैंने सोचा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की, क्योंकि अभी 2 से 3 घंटे पहले ही आकाश सर ने एक वीडियो डाली इसके रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को बता दें, सो दैट यू कैन गाइज स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑनवर्ड्स। ओके, सो द वेरी फर्स्ट न्यूज़ अबाउट द आरबीआई असिस्टेंट, दैट इज कि देयर आर सम इशूज़ रिगार्डिंग वेज रिवीजन सेटलमेंट, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर, तो उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन की। बट ये है कि नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये सर ने ये क्लियरली बोला है कि जो मैनेजमेंट है उनको कुछ इश्यूज थे, बट उनके जो इश्यूज हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट के वो सॉल्व हो चुके हैं, बट अभी बस ये वेज सेटलमेंट हो जाए तो आपका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है जनवरी फरवरी मार्च कभी भी। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ तुम लोगों को, एक टेक इट एज अ मोटिवेशन। जानते हैं अभी ओल्ड जो सैलरी है आरबीआई असिस्टेंट की मुंबई की, जैसे उन्होंने बताया कि मुंबई की, मैं बताता हूँ तो लगभग आसपास ऐसे ही सबकी स्टेट की होगी, तो उन्होंने बताया था 40,000 तो सैलरी है और 12,000 to 13,000 अलाउंस मिलते हैं, बट आफ्टर रिवीजन या एक्सपेक्टेड जो भी उनकी डिमांड है एम्प्लॉय की 48,000 और 12,000 to 15,000 आपका अलाउंस, तो यार एक हैंडसम सैलरी है ये मेरे हिसाब से देखा जाए। ठीक है, और आपको प्रिपरेशन अच्छी खासी करनी है इसमें, मतलब आप ये सोचो कि चीज़ें आपको पहले से पता है कि ये आने वाली चीज़ें, एक होप होती है ना कि यार अब NRACET आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये अभी देखो NRACET की मैं सीधी बात बताऊं यार, एक साल से चला आ रहा है देखो भाई, तो पता अभी ये साइड रखो, आना होगा तो आएगा यार, देने जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि हम रोक लेंगे या हमने रोक रखा है। ठीक है, तो अभी इसको सेट रखो, जो अभी करंट में तो हमारे पास सिलेबस है, कुछ लोग स्टूडेंट ये भी सोचते हैं सर सिलेबस चेंज जाएगा अभी क्या पढ़ के करेंगे, नहीं, जो अभी करंट में सिलेबस है इसी को ही प्रिपेयर करो और निकाल लो। बाकी LIC की बात कर लेते हैं, अगर LIC की बात करें तो LIC में मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था एक साफ साफ बताया गया कि 8,000 वैकेंसीज निकली थी जो कि पूरी फुलफिल नहीं हो पाई हैं, बट अगेन एक बार बताते हैं LIC का एक बहुत बड़ा IPO मार्केट में आना था जो कि नवंबर में ही उतरना था और इसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी भी अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आसपास ही कुछ रहेगा, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी कभी भी आ जाएगा LIC नोटिफिकेशन LIC असिस्टेंट का। तो देखो यार चीज़ें तुम लोग को पहले से ही बता देते हैं, ठीक है ना, बाकी तुम लोगों को प्रिपेयर करना है। देखो इस वीडियो में ऐसा मत सोचना कि यार यहाँ से कॉपी करके न्यूज़ ला रहे, हाँ भाई मैंने कॉपी की है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसलिए कॉपी की कि जो हमारे गाइडली के सब्सक्राइबर उनको ये सब बातें पता चले, बस दैट्स इट। ठीक है ना, ऐसा जिसमें कोई मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग व्यूज़ के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हो, देखो व्यूज़ से हमारा कोई लेना देना कुछ नहीं है सीरियसली बताऊँ तो बस यही सब छोटी छोटी बातें हैं। बाकी आप लोगों का SBI PO का एग्ज़ाम हो गया है और आपका IBPS PO का आने वाला है, तो इतना मत सोचिए, फोकस करिए IBPS PO पे और जो होगा देखा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन एक भगवान के रूप से भगवान बनाइए कि जो भी कुछ खेला होगा नॉर्मलाइजेशन का होगा, बाकी आप लोग अपनी मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करिए, जैसा कि आकाश दत्ता आपने बताया था SBI क्लर्क उसने निकाला है, तो यार हाँ कहीं ना कहीं मिडनाइट वॉरियर ने उसको हेल्प की, जीरो टू जेनेथ ने हेल्प की, मीनाक्षी मैम का जो है रुद्रा प्रोबैच वो भी कहीं ना कहीं हेल्प किया, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग एक बार ट्राई दे सकते हो इन सब चीज़ों को। बाकी एक और जाते जाते एक बात बोलूँगा आप लोगों से कि आकाश ने रीजनिंग में उसको दिक्कत थी तो उसने मिसलेनियस पे फोकस किया, तो घबराइए नहीं दोस्तों, मैं फ्री में मिडनाइट वॉरियर 5 लेके आने वाला हूँ, जल्दी ही उसकी डेट मैं बता दूंगा, जिसमें मैं मिसलेनियस पढ़ूंगा, पूरा मिसलेनियस का होगा, 30 डेज मिसलेनियस फ्री में होगा, ठीक है, और पेड तो अपना चल ही रहा है वॉरियर बैच, इसके बाद हम पेड में भी मिसलेनियस शुरू कर देंगे, ताकि आपकी चीज़ें कहीं पर भी रुकने नहीं चाहिए, बस आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप वॉरियर बैच परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप कॉमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और चीज़ें आपके सामने बता दी गई कि बड़े नोटिफिकेशन आने बाकी हैं, इससे पहले मैंने SBI क्लर्क 2022 का भी बताया था, तो बस चीज़ें पता है तुमको, दिमाग में सेट कर लो, लिख लो, सामने रख लो कि ये नोटिफिकेशन आने वाले हैं, सुबह शाम जब भी देखो अपने कमरे में उसको देखो, है ना,
तो इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा जरूर से जरूर, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो समझिए आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट आएगा। तो आपको तैयारी करनी है अच्छे से, तो आपको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा सोना है, अच्छे से नींद लेनी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय।